नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन लश्करी, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट सुश्रुत हॉस्पिटल विद्यानगर कोटा में काम करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन विषय प्रोस्टेट, जो कि प्रायतः गोल्डन टूथ में प्रॉब्लम्स आती है इसकी वजह से, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो पेशाब की थैली के नीचे होती है। पेशाब की नली प्रोस्टेट के बीच में से निकलती है। यूजली 50 से 60 साल की उम्र में ये प्रोस्टेट बढ़ने लग जाता है तथा 60 साल की उम्र में लगभग 50% लोग इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो जब प्रोस्टेट बढ़ने लगता है तो जो पेशाब की नली प्रोस्टेट के बीच में से निकलती है उसके ऊपर दबाव पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से ओल्ड एज के लोगों को पेशाब करने में दिक्कत आने लगती है। उसकी वजह से लोगों को पेशाब धीरे धीरे आता है, बार बार जाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, कई बार पेशाब करने के बाद भी बहुत सारा पेशाब अंदर रुक जाता है। फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन होने लग जाता है, कभी पेशाब की थैली में पथरी वगैरह बन जाती है, या कभी गुर्दों पे जोर आने लग जाता है जिसकी वजह से गुर्दों का फंक्शन खराब होने लग जाता है। तो जब प्रोस्टेट बढ़ने लगता है या उससे रिलेटेड सिम्टम्स शुरू होते हैं तो प्राय इसका इलाज जरूर लेना चाहिए। तो यूरोलॉजिस्ट से मिलकर हमें इसका इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। प्रायली जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होते हैं उनमें अल्ट्रासोनोग्राफी, पेशाब की धार की जांच और सिर्फ पीए से होता है, जो यूजुअली कराना ही चाहिए। पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट का प्रोस्टेट साइज, कितना पेशाब पेशाब करने के बाद रुक जाता है, पेशाब की धार कैसी आ रही है, आइडल, इन सब चीज़ों पे प्रोस्टेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। शुरुआत में प्रोस्टेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनका दवाइयों से ट्रीटमेंट हो जाता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ पेशेंट को 50-60% पेशेंट को दवाइयों से आराम मिल जाता है। फिर भी यदि किसी पेशेंट को ऐसा होता है कि उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती है, जैसे पेशाब रुक जाता है, पेशाब कपड़ों में आने लग जाता है, गुर्दे का फंक्शन खराब होने लग जाता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, या पेशाब की मात्रा बहुत ज़्यादा रुक जाती है पेशाब की थैली में, तो फिर अपने को ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है। उस कंडीशन में भी बहुत ऐसा ज़्यादा घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से दूरबीन से प्रोस्टेट की सर्जरी हो जाती है, जिसमें न कोई कट लगता है न कोई चीरा लगता है। पेशाब के रास्ते दूरबीन डाल के जो बड़ा हुआ पार्ट है उसको निकाल लेते हैं और आदमी 2 दिन में इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर मोटी धार से पेशाब करने लग जाता है। तो प्रारंभिक लक्षण में प्रोस्टेट की वजह से लोगों को पेशाब करने में दिक्कत आती है, उनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब की धार कम आती है, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब कपड़ों में आ सकता है, रात में स्पेशली कपड़ों में आने लग जाता है, और फिर यदि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है तो पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, पथरी बन सकती है, खून आ सकता है पेशाब में, और कभी कभी गुर्दों में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। प्रोस्टेट से जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली एजिंग प्रोसेस है, जैसे उम्र के हिसाब से बाल सफ़ेद होना है, गुटे खराब होना है, ये तो इसी तरह से प्रोस्टेट हर आदमी को बढ़ेगा। 50 से 60 साल की उम्र में सब इंसान को प्रोस्टेट बढ़ने लगता है, क्योंकि पेशाब की नली प्रोस्टेट के बीच में से निकलती है, उसके ऊपर दबाव पड़ने लग जाता है और उसकी वजह से फिर प्रोस्टेट के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। इसलिए यूजुअली 60 साल की उम्र में 50% लोगों को प्रोस्टेट के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। हर आदमी को प्रोस्टेट होता है और उनके ओल्ड एज में प्रोस्टेट से सिम्टम्स आते ही आते हैं। यदि आपको भी प्रोस्टेट या इससे पेशाब से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है तो आप किसी भी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करिए और सामान्य जांच करवा के उसका ट्रीटमेंट शुरू करिए और आप उसका बेनिफिट लेकर आप उससे ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।